औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे अल्लाह के फजल व करम से, और आपकी दुआ से, अल्लाह की मेहरबानी से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, अल्लाह ताला आपको, आपके माँ बाप को, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, सबको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और जिनके वालदैन वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता करे, और जिनके वालदैन हयात हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफा याब करे, आमीन। और जिनका कारोबार नहीं, उनका कारोबार रोज़गार अल्लाह ताला अता करे, और जिनका कारोबार इस वक्त डाउन जा रहा है, अल्लाह ताला उनके कारोबार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। और जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं, वो खैर वख़ैरियत से गए हैं, खैर वख़ैरियत से अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएँ, जिस मकसद के लिए वो गए हैं अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करें, क्योंकि मैं आपके लिए मालूमाती वीडियो लेकर आता हूँ, जनरल नॉलेज की वीडियो लेकर आता हूँ। तो औलिया कराम के शजरा मुबारक, सादात मुबारक के शजरा मुबारक लेकर आता हूँ, सादात के शजरा मुबारक लेकर आता हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, मेरे बहन भाइयों का फ़र्ज़ है। तो आज जो शजरा मुबारक लेकर आया हूँ, ये भी बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं जिनका शजरा मुबारक है। तो शजरा मुबारक है जी सैयद सुल्तान मेहदी बिन सैयद बद्रुद्दीन। ये बद्रुद्दीन वो हैं जो सुर्ख पोश बुखारी के सुसर हैं, ये सुर्ख पोश बुखारी के सुसर हैं बद्रुद्दीन, बद्रुद्दीन आलम, बद्र आलम बिन सैयद सदरुद्दीन खतीब। जो सदरुद्दीन खतीब है ना, इनका मज़ार जो है ना वो सखर में है, तो बद्रुद्दीन का मज़ार उच शरीफ में है, ठीक है जी। तो इनके बेटों का शजरा लेकर आया हूँ, आगे इनका शजरा जो है ना वो जाता है इधर जंडियाला शेर खां वारिस शाह की तरफ, ठीक है जी, वारिस शाह की तरफ उन तक शजरा जाता है। तो इनके बेटे हैं जी सैयद सुल्तान मेहदी, इनके बेटे हैं सैयद मोहम्मद अयूब बाकरी नकवी, सैयद अलादाद बाकरी नकवी, सैयद अहमद बाकरी नकवी अलमरूफ मीरा, और आगे इनके बेटे हैं सैयद वजीहुद्दीन अलमरूफ जमालुद्दीन हामद शाह बाकरी नकवी। आगे हैं जी इनके बेटे सैयद अलाउद्दीन बाकरी नकवी, सैयद अब्दुल मालिक शाह बाकरी नकवी, सैयद अब्दुल मोमन शाह बाकरी नकवी, ठीक है जी। पहले शजरा इनका पढ़ लेते हैं। तो इनके सैयद अब्दुल मोमन के दो बेटे थे, सैयद हाजी शाह बाकरी नकवी, तो ये जद्दे आला हैं सादात कामलपुर सैदा अटक के, ये उनके जद्दे आला हैं, जद्दे अमजद जिसको कहते हैं, ये उनके अटक, जो जितनी भी उनकी औलाद है ना वो अटक में है। तो इनके दूसरे बेटे हैं सैयद अब्दुल मोमन के सैयद अब्दुल कुदूस बाकरी नकवी, उनके बेटे हैं सैयद मोहम्मद शाह बाकरी नकवी, और आगे इनके बेटे हैं दो सैयद शाह फतेह हैदर सफदर नकवी बाकरी। मज़ार मुबारक इनका है टैक्सला रावलपिंडी में, और कसीर उलाद टैक्सला फतेह जंग और रावलपिंडी में आबाद है इनकी। तो दूसरे हैं जी इनके बेटे सैयद शाह अल्लाह दिता नकवी बाकरी, मज़ार मुबारक है इनकी, इनका जी मौज़ा अल्लाह दिता इस्लामाबाद में, और इनकी कसीर औलाद इस्लामाबाद में आबाद है। और दूसरी तरफ आ जाते हैं जी सैयद वजीहुद्दीन की तरफ, तो सैयद वजीहुद्दीन के बेटे हैं जी सैयद नासरुद्दीन बाकरी नकवी, उनके बेटे हैं जी सैयद मोहसिन शाह बाकरी नकवी, उनके बेटे हैं जी सैयद हसन शाह बाकरी नकवी, उनके बेटे हैं जी सैयद रहमतुल्लाह शाह बाकरी नकवी, उनके बेटे आगे हैं तीन सैयद यकूब शाह बाकरी नकवी, सैयद दो सैयद यकूब शाह बाकरी नकवी, तीन हैं, दो हैं जी, दो सैयद यकूब शाह बाकरी नकवी और सैयद हामद कलां बाकरी नकवी। तो सैयद यकूब शाह के बेटे हैं जी सैयद ताज महमूद शाह बाकरी नकवी, और सैयद ताज महमूद के आगे तीन हैं सैयद मीरा हबीब शाह बाकरी नकवी, और दूसरे हैं जी सैयद मीरा अहमद शाह बाकरी नकवी, और तीसरे हैं जी सैयद मीरा अमजद शाह बाकरी नकवी।
तो आगे आ जाते हैं जी सैयद मीरा हबीब शाह बकरी नकवी के बेटे, आगे आ जाते हैं जी चार सैयद मोहम्मद फाजल बकरी नकवी, सैयद आदल शाह बकरी नकवी, सैयद कासम शाह बकरी नकवी, सैयद आलम शाह बाखड़ी नकवी। तो पंजाबी में इसको बाखड़ी कहते हैं। तो सैयद आदल शाह बकरी नकवी के बेटे हैं जी सैयद बोधे शाह बकरी नकवी, सैयद बोधे शाह के बेटे हैं जी सैयद गुल शेर शाह बकरी नकवी। गुल शेर शाह के आगे बेटे आ जाते हैं जी पांच, पहले आ जाते हैं जी सैयद वारिस शाह बकरी नकवी, मारूफ पंजाबी शायर हीर रांझा के मुसन्नफ हैं। मज़ार मुबारक इनका है जी मौज़ा जडियाला शेर खां ज़िला शेखपुरा में है। तो दूसरे इनके भाई हैं सैयद कासम शाह बकरी नकवी, तीसरे इनके भाई हैं सैयद वली शाह बकरी नकवी, और चौथे इनके भाई हैं सैयद बाग शाह बकरी नकवी, और पांचवे इनके भाई हैं सैयद रहम शाह बकरी नकवी। तो ये शजरा मुबारक है जी सैयद वारिस शाह सरकार का। तो ये भी बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, इन्होंने हीर लिखी थी, पंजाबी की हीर किताब लिखी थी। अभी आज भी इनके मज़ार पर जो है ना वो हीर पढ़ी जाती है, लोग बहुत शौक से सुनते हैं। अभी भी उनके ऊपर जो मजौर बैठे हुए हैं ना वो अभी भी हीर पढ़ते रहते हैं, जब भी कोई लोग आते हैं उनको हीर पढ़कर सुनाते हैं। तो इन्होंने हीर किताब लिखी थी हीर रांझा, तो बहुत बड़े मुसन्नफ हैं। और ये मुरीद हैं जी नैत शाह वली सरकार के, ये भी उनके मरीद हैं, और बुल्ले शाह भी उनके मरीद हैं, ये दोनों आपस में पीर पाई हैं। ठीक है जी, तो ये छजरा मुबारक था इनका। और सैयद सफदर सैयद शाह फतेह हैदर सफदर, वो नीचे भी इनको नाम है, ये तीनों मज़ार हैं इनके। सैयद शाह फतेह हैदर सफदर नकवी भाखड़ी मज़ार इनका टैक्सला में है, और सैयद शाह अल्लाह दिता नकवी इनका मज़ार इस्लामाबाद में है। तो ये शजरा मुबारक था जी इनका। मेरे वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर लाजमी करें, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो इसी के साथ इजाज़त दें, फिर दोबारा नए शजरे नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।